जब से ये करीब 3 या 4 4 बजे की बात है, ठीक है, तो उसमें से एक आदमी उधर से मतलब अंदर पावर हाउस में से अंदर से मतलब कि आवाज़ आवाज़ देता हुआ आया, ठीक है, हल्ला करते हुए आया उधर से। तो मेरी नींद खुली, मैं सो रहा था अपने रूम पे, तो जब नींद खुली तो देखा तो स्विच यार्ड के ऊपर से जो टावर लगे हैं हमारे BSNL वाले लगे थे टावर, वहाँ से पानी इतनी तेज़ रफ्तार में आने लगा कि मतलब जैसे लग रहा था कि वो 10 मिनट में 15 मिनट में पूरी पावर हाउस भर जाएगी, ठीक है। फिर वे उधर स्विच यार्ड की तरफ देखा तो पानी पूरा एकदम बह रहा था, एकदम पूरा मतलब वहाँ से ऐसे बह रहा था, ड्रम नदी में जा रहे थे, पूरे ड्रम ऑयल ड्रम जो थे पूरे नदी में जा रहे थे वहाँ पे। और मैं अपने ग्रुप में जो हमारे साथ थे आदमी, जो हमारे रूम पार्टनर थे, हमारे दोस्त थे, उनको मैं बोला कि भाई उठो यहाँ से चलो, पानी का बहाव बहुत तेज आ गया, कुछ लगता है गड़बड़ हो गया, पानी बहुत तेज पावर हाउस में आ रहा अंदर। तो वहाँ से देखते देखते भर में पानी इतनी तेज़ रफ्तार पकड़ ली कि वो पावर हाउस में पूरा पानी ही पानी हो गया। तो हम लोग आने लगे, गेट से हम लोग बाहर नहीं आने लगे, वो जो गेट है हमारा जो डैम गेट है छोटा वाला, तो उधर से देखा पूरा डैम खाली हो गया पानी का। मैं कहा पानी अब इधर पूरा पूरा भर जाएगा इधर से। तो वहाँ से जब हम लोग निकला फिर वहाँ से, तो फिर पुल जो होता है उसमें से एक आवाज़ आई, पुल के नीचे से, गेट के बाहर से पुल के नीचे से एक आवाज़ आती है, और उसमें इतनी तेज़ आवाज़ आती है कि जैसे लगता है कुछ और चीज़ हमारा उसमें फट गया या टूट गया वहाँ। फिर उसके बाद हमने वहाँ से गया, फिर उसके बाद पीछे मुड़ के हमने देखा नहीं, वहाँ से करीबन 7 किलोमीटर तक हमने पैदल गया वहाँ से, 29 किलो, फिर वहाँ से गाड़ी पकड़ा, फिर वहाँ से इधर आया अपनी सेफ्टी के लिए। फिर बाकी उसमें बंदे हमें टोटल वहाँ पे 8 बंदे दिखे थे रात में भोर में, ठीक है, उसमें 8 बंदे दिखे थे, जिसमें 7 बंदे हम लोग बाहर निकले थे, एक बंदा वहीं था जो हम लोग को जगा रहा था। अब वो बंदा कहाँ गया क्या हुआ ये पता नहीं, अब ये नहीं बता सकते। फिर हम लोग ये 4 आदमी लापता, अब कहाँ लापता है ये पता नहीं, पूरी तो नीचे एम आई बी प्रेमपल्स हो ही हैं, गया, प्रेमपल्स ही हैं टरबाइन हो गया। हम लोग की जो हम लोग 5 आदमी अपने रूम पे रह रहे थे, वो तो 5 आदमी हम लोग अपना पूरी सेफ्टी से निकल आए बाहर किसी भी तरह जो करके। जो ऊपर से जो टावर लगा है ना BSNL का, उसके नीचे का पूरा इतना फटा था, तो इतना तेजी से पानी नीचे का बहाव था तो पावर हाउस पूरा बंद होने लग गया पानी से। जब बंद होने लग गया तो हम उसकी आवाज़ सुन के कुंडी खोल के, हम तो सो रहे थे सब लोग, और सोने के बाद जगे, कितना टाइम ये? ये चार हमको बजे 4 बजे की बात है, सुबह मॉर्निंग की में। मॉर्निंग में 4 बजे। तो फिर हम बाहर हो लिए, और बाहर होते होते भी स्विच यार्ड में इतना पानी था कि मेन गेट पे जहाँ सिक्योरिटी बैठती है फाटक पे इतना पानी था। घुटने तक तो पानी, हम घुटने तक होपलेस हो पानी। गए सब, अभी तो हम फिर पैदल पैदल 29 तक भगे। वहां तक जा नहीं सकेंगे, अब अभी कह वहां नहीं है तो सकते, कहीं अपना पुल भी टूट गया, एक पाइप बाल का पुल ऊपर वाला वो टूट गया, बताते हैं, और नीचे से जो जाते हैं इधर से 29 से जाते हैं वो पुल हाफ टूट गया है। अब पता नहीं है कितना टूटा है, हम तो चले आए थे बाहर।